यह सिर्फ एक त्वरित छोटा ट्यूटोरियल है जिसकी मदद से आप अपने चैनल को बढ़ने में मदद कर सकते हैं। जब आपके पास शून्य विचार और शून्य ग्राहक हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है कि हर दिन YouTube पर और मेरे अन्य चैनलों पर बहुत सारे वीडियो अपलोड होते हैं। हालांकि आपके लिए यह जानना भी अच्छा है कि अधिकांश चैनल कभी भी 100 ग्राहकों के लिए नहीं बनते हैं। इसका मतलब यह भी है कि यदि आप इसे 100 या 1000 तक कर देते हैं तो आप बहुत से अन्य चैनलों को हरा रहे हैं, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए उन तरीकों के बारे में बात करें जो मदद कर सकते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका चैनल सुखदायक दिखता है, एक अच्छा यूट्यूब बैनर है, अच्छे थंबनेल और अच्छे आइकन है। के लिए इंटरनेट पर एक खोज करें कि वे क्या दिखते हैं। साथ ही आपको एक अच्छा फोटो संपादक प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। मैं अत्यधिक गिम्प सॉफ्टवेयर का सुझाव देता हूं। अब समझें कि अच्छी वीडियो गुणवत्ता ज्यादातर सामग्री के बारे में है। हाँ, वीडियो को अच्छी रोशनी और कोणों से देखना अच्छा है, लेकिन यूट्यूब की रिपोर्ट है कि ज्यादातर लोग इस बारे में कम और सामग्री के बारे में अधिक ध्यान रखते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास अच्छी सामग्री है। अब आपको अच्छे कीवर्ड टूल की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि आप अच्छे कीवर्ड के साथ वीडियो बनाते हैं। आप उनके लिए खोज कर सकते हैं, लेकिन मैं सुझाव देता हूं कि ट्यूबबॉडी, यह मुफ्त है और प्रो संस्करण के लिए 14 दिन का परीक्षण है। अच्छे कीवर्ड की खोज करें। इसके बाद सामुदायिक भागीदारी है। छोटे चैनलों के बढ़ने का एक तरीका समुदाय से बात करना है। इसका मतलब है कि आपके समान अन्य यूट्यूब वीडियो जा रहे हैं और उन पर टिप्पणी करें। सावधान रहें और स्पैम न करें। सुनिश्चित करें कि आप कुछ वीडियो देखें और अच्छी गुणवत्ता वाली टिप्पणी करें। आप सबसे अच्छा करेंगे यदि आप इसे वास्तव में दोस्त बनाने के लिए करते हैं और न केवल स्पैम करने और अपने चैनल को विकसित करने के लिए। ये बेशक कुछ बेहतरीन तरीके हैं, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आपको वीडियो बनाने में मजा आए। यह एक कठिन चैनल है, लेकिन अगर आप इसे बनाए रखेंगे तो आप बड़े हो जाएंगे। सुनिश्चित करें कि कभी हार न माने और कोशिश करते रहें। अब YouTube पर मजे करो।